सोचो आप एक ऐसी इकोनॉमी में हो जहां पैसा जम चुका है। Japan is preparing for a massive change. The Cabinet Office of Japan is set to announce that Japan has entered a recession. The world's third largest economy and second largest auto supplier, Japan, has suffered due to weak global appetite for cars and slowing business spending. Japan is ending its negative interest rates. And taking another look at Japan, Prime Minister Shinzo Abe has announced a range of reform measures in an attempt to revive the Japanese economy after two decades of sluggish growth. This follows the absence of any signs of economic recovery in one of Asia's largest manufacturing hubs. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान के बारे में। बाहर से जितना वो चकाचौंध दिखता है अपने टेक रोबोट्स के लिए, अंदर से उतना ही खोखला है। जापान के स्टॉक मार्केट ने 30 साल में 0% का रिटर्न दिया है, और हम ये भी समझेंगे कि 2014-13 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण निकी इंडेक्स कम से कम अपने सपोर्ट पे तो वापिस आया। जापान वर्ल्ड वॉर टू से हारा नहीं, उसकी इकोनॉमी रफ्तार में थी। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, स्टील, शिप्स एंड कंपनीज जैसे टोयोटा, सोनी, हिटाची पूरे दुनिया में अपना नाम कर चुके थे। इन 1968 में जापान की इकोनॉमी सेकंड नंबर पे थी यूएस के बाद, जहाँ चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे देश आज पास भी नहीं थे। ऐसा लग ही रहा था जैसे कुछ सालों में ये यूएस को भी पीछे छोड़ देगा, मगर फिर ऐसा क्या हुआ जो देश किसी टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में आता था, उसके आने वाले 30 साल बहुत बुरे होने वाले थे। बैंक ऑफ जापान में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट 5% से घटाकर 2.5% कर दिए। इसका मतलब क्रेडिट पर पैसा लेना और आसान हो गया। ये इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट सेम रहे 1989 तक। ऐसा इसलिए करा गया ताकि येन डेप्रिशिएट हो सके एंड कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़े। आप सोचो, आप जापान में रहते हो, आपने एक लैंड ली एक स्क्वायर मीटर की 13 मिलियन येन की, उसको कलेक्टर रख कर आप लोन कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो और लोगों ने लोन पे पैसा लेकर लैंड में इन्वेस्ट करना कर दिया स्टार्ट। इसके कारण लैंड की डिमांड बढ़ गई एंड जिसके कारण लैंड के प्राइस और बढ़ गई। जैसे लैंड के प्राइस और बढ़े, लोगों ने और लोन लिया क्योंकि अब कोलैटरल भी ज़्यादा वैल्यू का था, जिसके कारण लैंड की मार्केट वैल्यू 13 मिलियन येन से 18 मिलियन येन हो गई बस एक ही साल में, मतलब 42% इंक्रीज इन जस्ट वन ईयर। ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों, एंड सेम लैंड 1986 में हो गई 42 मिलियन येन की, 122% इंक्रीज। सब बढ़िया चल रहा था, स्टॉक मार्केट भी ऊंचाइयां छू रहा था, मगर बैंक को जापान को बनक लग गई थी कि एसेट बबल बन चुका है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ताकि लोन लेना महंगा हो जाए। अब आगे लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया, जिसके कारण लैंड की डिमांड में सडन फॉल आया, जिसके कारण लैंड का प्राइस सडन गिर गया। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि तो बढ़िया हुआ, मगर नहीं। बैंक्स की बुक्स में जो कलेटरल खड़े थे वो सारे NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। आप सोचो, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी लोन पे ली, अब वो 10 लाख की प्रॉपर्टी 8 लाख की रह गई है, तो क्या आप लोन चुकाओगे? नहीं ना। इन सब के कारण डिफॉल्ट होने स्टार्ट हो गए बैंक की बुक्स में, NPA खड़े हो गए, एंड टू डील विद NPA बैंक स्टार्टेड सेलिंग, इसके कारण सप्लाई बढ़ गई एंड प्राइस और क्रैश हो गए, स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया। जो भी बैंक्स बन गए जिनकी बुक्स में NPA खड़े थे, बस गवर्नमेंट उनको फंड करके किसी तरह चला रही थी ताकि इकोनॉमी बिल्कुल बैठ ना जाए। जापान की इकोनॉमी अब स्टैग्नेंट हो चुकी थी। अब किसी भी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट 3 मेजर स्टेप्स फॉलो कर सकती है। फर्स्ट, कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे जिसके कारण लोगों के हाथ में पैसा आए, एंड वो फर्दर कंजम्पशन करे एंड ओवर स्पेंडिंग करे एंड इकोनॉमी में डिमांड। सेम बैंक को जापान ने भी करा, मगर जापान की पॉपुलेशन ने स्पेंडिंग करी ही नहीं क्योंकि एसेट बबल का फियर उनके दिमाग में बैठ चुका था, तो उनका फोकस सेविंग पे था ना कि कंजम्पशन या स्पेंडिंग करने में। सेकंड, बैंक ऑफ जापान ने जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी यूज की ताकि लोग लोन्स ले एंड स्पेंड करें, बट सेम लोगों को स्पेंडिंग करनी ही नहीं थी। इसके पीछे एक मेजर कारण अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजिंग पॉपुलेशन था। थर्ड, क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें सेंट्रल बैंक नई करेंसी प्रिंट करता है, फिर सेंट्रल बैंक वो पैसा
सेंट्रल गवर्नमेंट को सेल कर देती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट देन स्पेंड इट फॉर। इससे मनी सप्लाई बढ़ जाता है इकोनॉमी में। बट जापान में क्वांटिटेटिव ईजिंग ने थोड़ी हेल्प तो करी, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इकोनॉमी दोबारा स्टैग्नेंट हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट 2013 के बाद आता है। प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने एबेनॉमिक्स लगाई। इसमें कुछ अलग नहीं था, इनफैक्ट सब कुछ सेम था बट अग्रेसिव। इंटरेस्ट रेट जीरो है तो नेगेटिव कर दो, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हो पैसा और छापो, छापते रहो। अब इससे हुआ क्या, येन डेप्रिशिएट हो गया एंड एक्सपोर्ट बढ़ गए। इसको ऐसा समझो कि इससे पहले आप US में बैठे एक डॉलर में 123 येन तक का सामान ले सकते थे, अब करेंसी डेप्रिशिएट होने पर सेम एक डॉलर से 180 येन तक का सामान ले सकते हो। मतलब US में बैठे बैठे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, थोड़ा इकोनॉमी में ट्रस्ट भी बढ़ा लोगों का, एंड इसके कारण इसके इफेक्ट में निकी भी बढ़ा 2013-14 के बाद। इससे शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ आई, मगर लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का टारगेट जो 2% था वो मीट नहीं हो पाया। सिर्फ इन्फ्लेशन का टारगेट 2014 में मीट हो पाया। रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। येन ने ऑलमोस्ट अपनी 1/3 वैल्यू लूज कर दी है अगेंस्ट द US डॉलर। अभी जून 2024 में येन ने अपना लो टच किया है 160.88 पर डॉलर। मगर ये तो अच्छी बात है ना, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मगर नहीं, इसका असर इंपोर्ट पर भी पड़ता है। समझो कि पहले आप 123 येन में $1 तक का सामान इंपोर्ट कर सकते थे, करेंसी डेप्रिशिएट होने पर आपको 180 येन में $1 तक का सामान इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब जैपनीज की परचेजिंग पावर गिर गई। इसके कारण एक चीज़ तो अच्छी हुई, थोड़ा इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, मगर खुश मत हो, प्रॉब्लम ये है कि इस पर बैंक को जापान का कंट्रोल नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जापान एक तगड़ी केस स्टडी है टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन एक्सेट्रा। एंड अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जापान के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो हैं एंड US अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या असर होता है येन पर ये वक्त ही बताएगा। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो जार्गनलेस। इफ़ यू लाइक आर वीडियो फॉलो एंड सब्सक्राइब आर चैनल मेनविस्क।